नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। लालू यादव की हालत को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली स्थित एम्स लाया गया है। लालू यादव को एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने की अनुमान जता दिए गए हैं। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है। देश में कोरोना वायरस के नए मामले पिछले कुछ दिनों में लगातार 20,000 से नीचे बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 14,850 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ 155 मरीजों की खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 60वें दिन भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने हाईवे साथी ऐप डाउनलोड करने का काम किया है और अनिवार्य भी कर दिया है। बिना इस ऐप के कोई भी वाहन चालक यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा नहीं कर पाएगा। गाजियाबाद में हैकर ने एक शख्स से 10 करोड़ रुपए की मांग की है। रकम नहीं देने पर उसकी निजी जानकारी इंटरनेट पर शेयर करने की धमकी दी, जिसके बाद शख्स ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू की। धौलपुर पुलिस ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में से एक लाख का बदमाश इनामी दस्यु केशव गुर्जर का छोटा भाई बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। फरुखाबाद में अपने खेत की रखवाली करने गए 2 चचेरे भाइयों के शव संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटके हुए मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस शुरुआती जांच में से आत्महत्या मान रही है। वहीं मृतकों के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं बरेली में भाभी ने करोड़ों की जमीन के लालच में सगे देवर की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी भाभी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में एक प्लॉट पर मिट्टी गिराने के दौरान हुए विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में जमीन की खरीद बिक्री का काम करने वाला संजय गुप्ता घायल हो गया। पुलिस ने संजय को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने होटल से 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुए विकास हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्त के प्रेम प्रसंग की जानकारी छिपाने के चलते बार बार पार्टी लेना विकास की मौत का कारण बनी। मोहनलालगंज में एसडीओ के नेतृत्व में चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम पर दबंग ने ईंट से हमला बोल दिया। चालक का सिर भी फोड़ दिया गया है। इस दौरान हमले से हड़कंप मच गया। हालांकि टीम ने मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर में देर रात ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद बाल विकास अधिकारी ने ट्रक मालिक को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया है। फरार अधिकारी की तलाश शुरू की। फिरोजाबाद जिले में बिहार के रहने वाले युवक की हत्या कर दी गई। शव मिलने की सूचना पाकर एसएसपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त की। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। नोएडा में बीते दिनों हुए राधे चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की सास और साले को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में मृतक के साले ने बताया कि जीजा राधे चौहान ने उसकी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, इसी वजह से उसने राधे चौहान की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। रायपुर में रेप पीड़िता और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। पीड़ित से 2 साल पहले जिस पर रेप का आरोप लगा था, पुलिस ने उसी शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने साजिश कर वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में एक ड्राइवर ने उसी की एजेंसी के मालिक से बदला लेने के लिए उसकी 5 बसों को फूंक डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल घटना के बाद बस मालिक को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान। गुजरात में एक बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि काम ना करने के चलते दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। झारखंड में शराबी बेटे से परेशान पिता ने उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर कुएं से शव को बरामद किया। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में सीआईए की टीम ने गश्त के दौरान 4 युवकों को 1 किलो 740 ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार किया है। इस हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल टीम अभी युवकों से पूछताछ कर रही है। आगरा में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मौका पाकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपुर में कारोबारी विष्णु गर्ग कई कंपनियां बनाकर नकली बिल के जरिए जीएसटी की चोरी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को किया गिरफ्तार।
और वहीं हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी का नया गाना रिलीज होने के साथ ही यूट्यूब पर छा गया है। सपना चौधरी के इस नए गाने के बोल है लोरी, जो रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है। हाल ही में बिग बॉस का नया प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने एंट्री की। उनकी इस एंट्री से सभी घर वाले हैरान रह गए। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।